आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। कढ़ी नहीं, फुलौरी। तो फुलौरी के लिए बड़ा मैंने छान के रख लिया। उसके बाद इस यहाँ मेरा कढ़ाई चढ़ा हुआ है, इसमें अभी जस्ट छानी हूँ। तेल गंदा नहीं है। प्याज, लहसुन, मिर्च, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, और इसमें है जीरा, अजवाइन, मंगरेला और मेथी, थोड़ा सा राई। मेरे पास येलो वाला राई नहीं था तो मैं यही वाला डाल दी। और इसमें ले लेंगे थोड़ा सा हींग। इसको फिर अच्छे से भून लेते हैं। और अब इसका बनाना है ग्रेवी। तो इसमें है चने का दाल, मतलब बेसन। बेसन मेरे पास नहीं था तो मैं भिगो के रख दी थी और उसी का मैं पेस्ट बना ली। और इसमें थोड़ा सा जीरा, मिर्च और लहसुन, ये दोनों तीनों चीज़ मिक्स करके, और दाल एक ही में मैं ग्राइंड करके रख ली। इसमें लहसुन, जीरा, ये सब का पेस्ट नहीं भी डाल सकते हैं तो मैं सोची थोड़ा सा डाल दूं, क्योंकि सारा चीज़ मैं फ़ौरन में डाली थी, छौंका लगाई थी इसका। और इधर है दही, कर्ड। आपको जितना भी दही लेना हो अपने अकॉर्डिंग आप दही मिक्स कर सकते हो। पानी अपने अकॉर्डिंग डालना है, जितना क्वांटिटी जिसका रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें और पानी डालूंगी क्योंकि अभी थोड़ा ही सा डाली। इसमें थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि सारा मसाला तो मैं इसमें डाल ली, इसमें बस हल्दी मिक्स करना बाकी था तो मैं मिक्स कर दी। नहीं, इसमें थोड़ा पानी और मिक्स करूंगी क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा है, जब पक जाएगा ना तो उसके बाद और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब तक हमारा कढ़ी रेडी हो रहा है तब तक मैं इधर आटा गूंथ लेती हूँ, क्योंकि इसे चलाना तो है नहीं। लेकिन हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कढ़ी हमारा फट जाता है दही के वजह से, नहीं चलाते हैं तो चलाते रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बस कुछ भी चीज़ ऐसे डाल दो और ऐसे ही छोड़ दो, कभी भी नहीं फटेगा। मेरा तो नहीं फटता, अब पता नहीं, मैं कभी कभी वही बीच में चला देती हूँ,
नहीं तो ऐसे कंटिन्यू नहीं चलाते रहते। देखो अच्छे से इसमें उबाल आ गया। नमक मैं पहले ही नहीं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले डाल दी थी, मैं दिखाना भूल गई। स्टार्टिंग में ही नमक नहीं डालना है, नहीं तो नमक डालने से फट जाता है। जब बॉयल होने लगे तो फिर नमक डाल दीजिए, फिर अच्छे से पक जाएगा। खैर कढ़ी बनाने तो सारे लोग जानते हैं, बट लेकिन अपना अपना तरीका बनाने का जो आप लोग को आता होगा, मुझे नहीं आता। जो मुझे आता होगा शायद आप लोग को आता भी हो ना भी आता हो, ये भी हो सकता है। और इधर मैं पहले ही भिंडी का भुजिया बना के रख ली थी, और इधर इसको मैं छान ली, उसके बाद तो फिर इसका ग्रेवी बनाई। ये भी मेरा रेडी हो गया, मुझे रोटी बनाना है। और हमारा पेटा खेल रहा है, बोलो गुड मॉर्निंग गाइस, बोलो बोलो राधे 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 राधे। नहीं अब गुड बॉय हो ना, बोलो छपको। जब इनकी मर्जी होती है तब ये बोलते हैं, नहीं मर्जी है तो नहीं। हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे। चलो क्लैप क्लैप करो, चलो करो, उसको रहने दो ना आप, रहने दो बेबी। देखो क्या देखो, ये थोड़ा बहुत अब बोलना सीख रहे हैं, पता नहीं अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। कभी कभी तो समझ में आता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है। ये आपका पाउडर है बेटा। हाँ और ये है मम्मा का, राइट हैंड बेबी का, लेफ्ट हैंड मम्मा का। हाँ अभी इनके डैडी थे साथ में, दोनों खेल रहे थे, दोनों योगा कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। वो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ये भी देख करके बहुत सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सीख गया है, अपने अकॉर्डिंग करता है। तभी इनके डैडी गए हैं वॉशरूम गए हैं, उनको ऑफिस जाना है ना। और मम्मा इधर ब्रेकफास्ट बना रही है, अभी ग्रेवी और गाढ़ा हो जाएगा। बोल दो बाय 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 बाय। वाह वेरी गुड वेरी गुड। बोल दो बाय बाय गाइस, मम्मा जा रही है रोटी बनाने। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, अभी मम्मा नहीं लेगी आपको। इनको इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे, मतलब एकदम ठंडा मौसम किया है, और हम लोगों को ठंडी लग रही है, इनके लिए फैन चल रहा है। थोड़ा कम करके चलाए हैं तब भी इनके पसीने से बाल पूरा
कलर हाँ आपकी बाल गीली हुई है बेटा।